ऋतु भी क्वेश्चन रीड करना ना बेटा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था होमवर्क में। सर टोटल इनकम है 5 लाख। टोटल इनकम 5 लाख है। फिर इनकम रिसीव 4 लाख, उसमें से इनकम रिसीव्ड है वो 4 लाख है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा हो जाएगा 1 लाख का। ठीक है, कंटिन्यू बेटा। टोटल एक्सपेंस है 2,30,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 30,000। टोटल एक्सपेंस है 230, उसमें से 30,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो 2 लाख जो होगा ना वो हमारा हो जाएगा एक्सपेंस पेड। ठीक है, आगे बढ़ा। प्रीवियस ईयर की इनकम है 40,000 और प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस सर मैंने शायद से गलत लिखा है। प्रीवियस ईयर की इनकम कितनी बोली बेटा? 10,000। 40,000। 40 और प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस सर 10,000। ओके, अब बेटा कैश बेस एक बार पहले वेरीफाई कर लेंगे। 40 रुपीज, तो फिर मैं एक्चुअल बेस बता दूं, दोनों ही बता देता हूं बेटा। कैश बेस का मतलब क्या होता है बेटा? जितना पैसा रिसीव हुआ है, तो इनकम रिसीव्ड 4 लाख, इनकम रिसीव्ड 4 लाख एंड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर जो हमको मिली है 40,000। सो टोटल इनकम इज 4,40,000। बेटा ये होमवर्क वाला सब वेरीफाई करके फिर तुरंत हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसके बाद है एक्सपेंस पेड, आपका एक्सपेंस पेड है 2 लाख एंड एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर वो है आपका 10,000। सो टोटल एक्सपेंस इज 2,10,000। नेट इनकम है 4,40,000 माइनस 2,10,000, 2,30,000। कैश बेस करेक्ट है बेटा सबका? सर यस सर। अब एक्रुअल बेस, पर्टिक्यूलर रुपीज, एक्रुअल में क्या होता है बेटा? इनकम रिसीव्ड मतलब जो मिल गया 4 लाख एंड आउटस्टैंडिंग जो मिलने वाला है प्लस आउटस्टैंडिंग इनकम 1 लाख, टोटल 5 लाख टोटल इनकम। और एक्सपेंस में एक्सपेंस पेड है 2 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30,000। इसमें प्रीवियस ईयर का नहीं आएगा कभी भी, एक्रुअल बेस में। एक्रुअल में जो आ गया जो आने वाला है, जो पे कर दिया जो पे करना है, प्रीवियस ईयर का कोई भी लेना देना नहीं है, एडवांस का कोई भी लेना देना नहीं है। तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 2,30,000। नेट इनकम 5 लाख माइनस 2,30,000, तो 2,70,000। किसका किसका करेक्ट है बेटा? दोनों सर मैं यस सर, दोनों करेक्ट है सर। अनोखी जय यस सर, दोनों करेक्ट है। वेरी गुड हेरिन सर, करेक्ट है। रुत्वी के दोनों करेक्ट हैं। हेरिन क्या गलत हुआ बेटा? सर एक्रुअल में गलत। ओके ठीक है। जैनम सर एक्रुअल। ओके सिंपल है बेटा, एक्रुअल में क्या करना है? जो मिल गया और जो मिलने वाला है उसमें प्रीवियस का कोई भी लेना देना नहीं है, सिंपल। इतना अपन को याद रखना है बेटा। सर आउटस्टैंडिंग है वो मेरा खाली मिला नहीं था और सब आ गया था। 5 लाख की टोटल इनकम है मयूर, उसमें से 4 लाख मिल गया है बेटा,
तो 1 लाख अपना आउटस्टैंडिंग है और टोटल एक्सपेंस 2,30,000 में से 30,000 आउटस्टैंडिंग है तो 2 लाख हमारा एक्सपेंस पेड है। सिंपल सर, फिर आंसर राइट आएगा सर। ओके चलो वेदांत, आपके दोनों करेक्ट है बेटा। सर एक्चुअल बेस गलत है, उसने मैंने आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं यूज नहीं करा था इसलिए। ओके तन्वीर, आपके करेक्ट है बेटा दोनों। सर एक्चुअल बेस गलत है। ओके चलो फटाफट कंप्लीट करो बेटा, तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करें। कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा। बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना। सर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया, अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स पूरा जो अकाउंट्स है ना स्टूडेंट्स, वो एक इक्वेशन के ऊपर चलता है। उस इक्वेशन से हम लोगों को ये पता चल सकता है कि जो अकाउंट्स हमने लिखे हैं वो अकाउंट्स हमारे सही है कि नहीं है। जो चैप्टर नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारा, वो उसी इक्वेशन का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स पूरा का पूरा अकाउंट्स एक इक्वेशन के ऊपर चलता है बेटा, जिससे हम लोग आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो सही है कि गलत है। और वो अकाउंटिंग इक्वेशन है स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। ए का मतलब होता है असेट्स, सी का मतलब कैपिटल जिसके साथ हम लोग हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग जब कैपिटल का मतलब होता है कि हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया या हम लोग जब बिजनेस कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोग जो भी चीजें जैसे कैश फर्नीचर कुछ भी हम लोग बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हैं अपना पर्सनल, मेरे घर पे कैश पड़ी है, मेरे घर पे फर्नीचर पड़ा है, मेरे घर पे कंप्यूटर पड़ा है, वो मैं सब बिजनेस के अंदर लेके आ रहा हूं, वो मेरा सारा का सारा कैपिटल कहलाता है। असेट्स का मतलब क्या होता है बेटा कि जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं या जो पैसा हमारे पास आने वाला है उस हर एक चीज को हम लोग असेट्स में कंसिडर करते हैं। और एल का मतलब होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है जो हम पे कर्जा है, जो हम लोगों को पैसा लोगों को लौटाना है वापस करना है, वो हमारी लायबिलिटीज कहलाती है। स्टूडेंट्स मैं अब इन तीनों की लिस्ट लिख रहा हूं बेटा, इन तीनों में क्या क्या चीजें आएंगी ध्यान से समझना। सबसे पहले असेट्स में क्या क्या आएंगी, आपके पास जमीन पड़ी है लैंड, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास व्हीकल्स हैं, आपके पास फर्नीचर है, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपकी असेट है, आपके पास कैश पड़ा है वो आपकी असेट है, आपके बैंक में बैलेंस पड़ा है मतलब आपकी बैंक में पैसा पड़ा है वो आपकी असेट है। डेटर्स, अब डेटर्स कौन होते हैं बेटा, जिनको आप लोग क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, दोज टू हूम गुड्स आर
सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिनको हम लोगों ने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। उसके बाद रिसीवेबल, मतलब जो भी हमारे पास पैसा कहीं से आने वाला है फ्यूचर में, जैसे कि मान लो कि मेरे को मयूर से कमीशन लेना है, मैंने अभी तक मयूर से कमीशन लिया नहीं है, मुझे बैंक से इंटरेस्ट लेना है, मैंने बैंक से इंटरेस्ट अभी तक लिया नहीं है, तो जो पैसा हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है वो सारा हमारा रिसीवेबल कहलाता है और वो हमारी असेट कहलाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। अब बेटा एक्सपेंस पेड इन एडवांस असेट कैसे है, लॉजिक के साथ समझना बेटा। मैंने मेरे स्टाफ को 2 महीने की सैलरी एडवांस में दी, अगर मैं उनको 1 महीने के बाद जॉब से निकाल देता हूं बेटा, तो 1 महीने की जो मैंने उनको एडवांस में सैलरी दे के रखी है वो उनसे मैं वापस ले लूंगा। इसी तरीके से सपोज करो मैंने ऑफिस लिया, 3 महीने का रेंट मैंने ऑफिस का एडवांस में दिया, 1 महीना ऑफिस यूज करने के बाद मैंने ऑफिस खाली कर दिया, तो 2 महीने का जो रेंट मेरा उनको एडवांस में दिया वो लोग मेरे को वापस करेंगे। तो हमने कभी भी किसी को पैसा एडवांस में दिया है तो वो पैसा इन अ वे हमारे पास फ्यूचर में वापस आता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, असेट्स का मतलब होता है जो भी पैसा आपको फ्यूचर में आने वाला है वो आपकी असेट कहलाती है। तो यहाँ पे आपने जो उनको एडवांस में पैसा दे के रखा है वो पैसा आपके पास वापस आएगा आएगा, इसीलिए वो हमारी असेट कहलाएगी। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। जैनम को कोई डाउट है बेटा? सर यस जैनम। सर आपने बोला कि आप मतलब 2 महीने एडवांस में दे दो फिर आप वापस 1 महीने में ले लो, मैंने ऐसी कोई नोटिस होती है ना कि 2 महीने तक आपको एडवांस मिल जाएंगे, ऐसे तो नहीं? नहीं ऐसा नहीं होता बेटा कभी भी। क्या होता है ना कि हम लोग 1 मंथ का नोटिस हम लोग दे देते हैं और 1 मंथ के नोटिस के बाद हम लोग किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल सकते हैं। या अगर भाई इमरजेंसी है, भाई हमारे पास जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन आया बेटा, लॉकडाउन आया तो तुरंत कंपनी से बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, हमारे पास काम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम पैसा क्यों दें आपको, हम जब आपसे काम ही नहीं करवा रहे तो हम आपसे हमको पैसा क्यों दें। तो अगर आपको एडवांस में देके रखा है तो या तो वो पैसा इन फ्यूचर एडजस्ट किया जाएगा या तो वो पैसा आपसे वापस ले लिया जाएगा। वापस तो कंपनीज नहीं लेती है, लेकिन कंपनी क्या करती है उसको फ्यूचर में एडजस्ट कर लेती है, भाई मैंने आपको 2 महीने का एडवांस में देके रखा है, अभी 3-4 महीने काम नहीं है तो हम आपको निकाल देते हैं, फिर हम आपको जब वापस बुलाएंगे तब उस टाइम पे आपकी सैलरी में से वो अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हो बेटा मैं? ओके सर। हाँ मयूर बोलो बेटा। सर जैसे कोई कोई लोग होते हैं जैसे वो मतलब आधा रुपया देते फिर आधा देते नहीं है, उसमें भी वैसे होते हैं? वो बैड डेट्स कहलाएगा बेटा, जब आपको पैसा नहीं मिले ना बेटा कभी भी तो वो हमारा बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब गया पैसा, तो गया पैसा मतलब वो लॉस है, तो वो लॉस को कैसे करना है वो मैं बताता हूँ बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट सब लोगों को बेटा? यस सर। अब इसी तरीके से एक और चीज असेट में आती है बेटा जो होती है आउटस्टैंडिंग इनकम। अब आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है बेटा, मैंने वेदांत का काम किया लेकिन वेदांत ने मुझे अभी तक कमीशन दिया नहीं है, मुझे वेदांत कमीशन देंगे मतलब मेरे पास कमीशन फ्यूचर में आएगा, तो जो भी पैसा अपने पास स्टूडेंट्स फ्यूचर में आने वाला होता है वो हमारी असेट्स कहलाती है। आई होप स्टूडेंट्स असेट्स की लिस्ट सबको क्लियर हो गई बेटा। यस सर। असेट्स की लिस्ट में किसी को कोई भी डाउट बेटा? सर आउटस्टैंडिंग इनकम को हम लोग एक्रूड इनकम कह सकते हैं? हाँ एक ही बात है बेटा, एक्रूड इनकम बोलो या आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो, वन एंड द सेम थिंग। असेट्स की लिस्ट पूरी क्लियर बेटा सब लोगों को? यस सर। ओके यस सर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आता है बेटा सी। सी का मतलब कैपिटल। कैपिटल कैसे बनता है बेटा? सबसे पहले तो आपने बिजनेस के टाइम पे मतलब बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे जो भी पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो आपकी कैपिटल है। इस कैपिटल में से अगर आप कुछ घर पे लेके गए जिसको हम लोग कहते हैं बेटा ड्रॉइंग्स, उसको हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि वो पैसा चला गया। इसी तरीके से अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो उसको प्लस किया जाएगा। अगर आपको बिजनेस में कोई भी इनकम मिली, कहीं से कमीशन मिला, कहीं से इंटरेस्ट मिला, कहीं से रेंट मिला, ये सारी आपकी इनकम्स हैं, ये सब इनकम्स आपको मिली
तो वो प्लस किया जाएगा। इसी तरीके से हमने कोई भी एक्सपेंसेस दिए, जैसे स्टाफ को सैलरी दिया, रेंट पे किया, ये सब एक्सपेंसेस हैं, उनको माइनस किया जाएगा, और कोई भी लॉस हुआ उसको भी माइनस किया जाएगा। मतलब कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस, प्रॉफिट और इनकम हो अगर बिजनेस का तो प्लस किया जाएगा, अगर एक्सपेंस एंड लॉस है तो वो कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। सी इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल क्लियर हो गया बेटा? कैपिटल कैसे आएगा? यस सर। यस नाउ कैपिटल के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आती हैं एल। एल स्टैंड्स लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या बेटा? आपको जिनको फ्यूचर में पैसा देना है, आपने दिया नहीं है। असेट मतलब क्या होता है? जो आपके पास पैसा आने वाला है। और लायबिलिटीज क्या होती है? जिनको आपको पैसा देना होता है, जैसे कि क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा? जिनसे हम लोग गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं। फ्रॉम होम गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स, हमने उनसे गुड्स परचेस किए, मतलब हमको उनको पैसा देना है। इसी तरीके से कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है बेटा? मेरे को ना ऑफिस का रेंट पे करना है 12 महीने का, मैंने 10 महीने का रेंट दे दिया है, 2 महीने का रेंट अभी भी बाकी है, तो ये बाकी है, मतलब ये हमारा कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और पे करना है। स्टूडेंट्स ये चीज खाली समझ नहीं है बेटा कि जब भी आपको कहीं से पैसा आने वाला है तो वो आपकी असेट होती है, और जब भी आपको किसी को पैसा फ्यूचर में देना है वो आपकी लायबिलिटी होती है। क्लियर हो बेटा मैं सब लोगों को स्टूडेंट्स? तो लायबिलिटी में, लायबिलिटी में अब तक हमने दो चीजें डिस्कस की, एक क्रेडिटर्स जिनसे हम लोग गुड्स परचेज करते हैं उनको हमको पैसा देना होता है, इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमने कोई 10 महीने का एक्सपेंस पे कर दिया है, 2 महीने का एक्सपेंस हमारा बाकी है, वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। उसके बाद आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी कैसे है बेटा? सपोज करो मैंने अनोखी से कमीशन ले लिया, पहले ही ले लिया मैंने एडवांस में, और अगर मैंने उनका काम नहीं किया तो मुझे उनको कमीशन वापस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। वापस देना पड़ेगा, मतलब मेरे वहां से पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा मतलब वो मेरी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी। स्टूडेंट्स असेट्स कैपिटल लायबिलिटी तीनों का लिस्ट क्लियर हो गया बेटा अच्छे से सबको? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को स्टूडेंट्स? सर यस बेटा। यस अनोखी। सर लाइबिलिटीज में जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो सर जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा मतलब काम ना ही हो सकता है कि हमें पैसा पहले मिल गया हो और हमने उनका काम भी एकदम परफेक्टली कर दिया हो, तो फिर वो लाइबिलिटी कैसे कहलाएगा? जब तक बेटा काम नहीं होता ना तब तक वो हमारी लाइबिलिटी कंसिडर होती है, तब तक वो आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ही कंसिडर होता है। लेकिन जिस दिन वो काम हो गया बेटा तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में से वो कन्वर्ट होके आपकी इनकम बन जाती है। ओके अनोखी? टिल दैट, जब तक आपने सामने वाले का काम नहीं किया बेटा तब तक वो आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ही कहलाएगी। जैसे सपोज करो बेटा कि मैंने क्या किया कि एज ए ब्रोकर, मैं सपोज ब्रोकर हूं बेटा, किसी को घर चाहिए था तो मैंने उनसे 5,000 रुपए एडवांस ले लिया, मैंने कहा जब आपको मैं घर ढूंढ के दूंगा तो जो मेरी कमीशन होगी उसमें से मैं 5,000 रुपए डिडक्ट कर दूंगा। तो जब तक मैं उनका काम नहीं करता हूं बेटा तब तक ये मेरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ही कहलाएगा। फिर जैसे उनका काम हो गया, मेरे को 12,000 रुपए ब्रोकरेज लेना था, 5,000 मैंने ले लिया, बाकी 7,000 मैं और ले लूंगा, तो मेरी टोटल इनकम 12,000 की बनेगी। क्लियर हो बेटा मैं अनोखी? यस सर। ओके वेनिशा क्लियर हो गया बेटा यहां तक? वेनिशा यस सर। क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर है बेटा इसीलिए पूछ रहा हूँ, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा अच्छे से। वेनिशा कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछ रहे ना बेटा? यस सर। ओके स्टूडेंट्स ये लिस्ट को आप लोग फटाफट कॉपी डाउन कर रहे हैं तो हम लोग सम शुरू करेंगे बेटा जल्दी। सर। यस बेटा।
सर हमने कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस में क्या था तब हम लोग एडवांस्ड और प्रीवियस ईयर दोनों के हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस नहीं लिखते हैं तो इसमें ये लूप होल नहीं हो गया मतलब नहीं देखो हमने कैश बेस जो किया ना बेटा कैश बेस में क्या था प्रीवियस ईयर की इनकम आप कंसिडर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस भी आप कंसिडर कर रहे हैं और अगर आपको कोई इनकम एडवांस में मिल गया तो वो भी कंसिडर कर रहे हैं और अगर आपने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे किया तो वो भी आप कंसिडर कर रहे हैं लेकिन एक्रुअल में नहीं। एक्रुअल में क्या होता है बेटा जो पैसा मिल गया या जो पैसा मिलने वाला है क्योंकि देखो अकाउंट्स दोनों बेस पे सही है। कैश बेस में क्या होता है बेटा जो पैसा आया और जो पैसा गया हम लोग वो कंसिडर करते हैं जबकि एक्रुअल में क्या है बेटा जो आ गया या जो आने वाला है हम वो कंसिडर करते हैं। अब ये महीने के लिए जो मेरे पास पैसा आने वाला है वो मैंने एक्रुअल बेस में लिख दिया बेटा। अब नेक्स्ट मंथ में जो मेरे पास प्रीवियस का पैसा है तो वो तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं ना बेटा तो वो क्यों मैं वापस लिखूंगा एक्रुअल बेस में। समझ आया रुत्वी? ओके सर। और एडवांस का क्या? एडवांस आपने रिकॉर्ड कर दिया बेटा कैश बेस में आपको जो एडवांस मिला बेटा। अच्छा अब एडवांस आपको नेक्स्ट मंथ का मिल रहा है तो वो तो आप नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड करोगे ना उसको इस मंथ में क्यों रिकॉर्ड करें हम लोग? एक्रुअल बेस ऐसा कहता है सर। तो वही तो बात है अगर हम लोग नेक्स्ट मंथ पर रिकॉर्ड करें पर नेक्स्ट मंथ में हम वो प्रीवियस ईयर के इनकम करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं बेटा आप समझो एक्रुअल बेस में आप क्या रिकॉर्ड करते हो बेटा जो पैसा आपको मिला या जो पैसा आपको मिलने वाला है तो जब नेक्स्ट मंथ आएगा बेटा तो जो आपको पैसा मिला है उसमें जो आपकी एडवांस थी आप उसको डिडक्ट करके लिखोगे। फॉर्मेट याद करो बेटा एक फॉर्मेट में माइनस करवाया था जब वो इंक्लूडेड होता था तो जब वो इंक्लूडेड है तो उसमें आप उसको माइनस कर दोगे बेटा क्योंकि वो पैसा तो आपको पहले ही मिल चुका है। ओके ओके थैंक यू। ओके बेटा स्टूडेंट्स इसको कॉपी डाउन करो बेटा तो हम लोग सम शुरू करें। यस सर हो गया बेटा हो गया सबका सर। दो मिनट यस सर। नो प्रॉब्लम बेटा नो प्रॉब्लम। सर हो गया सर। बेटा सबका नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। सर लायबिलिटीज लिख रहा स्टूडेंट्स ये लिस्ट अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है बेटा। सम्स बहुत इजी है बेटा इसके सिर्फ ये पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंगली ही जाएगा बेटा। सर यस बेटा। सर एक क्वेश्चन है लायबिलिटीज में। सर जैसे मैंने शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैंने ब्रोकर को बोला कि पैसा लगा अब ब्रोकर तो अपना कमीशन लेगा ना वो थोड़ी ना अब उसमें लॉस हो तो वो तो हमको बेयर करना पड़ेगा ना। देखो बेटा स्टॉक मार्केट में एक सिस्टम होता है जनाब ब्रोकर आपने ब्रोकर को बोला बेटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो आपका इन्वेस्टमेंट है बेटा मतलब वो आपकी असेट है वो लायबिलिटी नहीं है पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी बेटा प्रॉफिट या लॉस ब्रोकर को कभी भी उससे लेना देना नहीं होता है बेटा। आज आपने सपोज करो एक घर खरीदा बेटा 1 करोड़ रुपए का आपने घर खरीदा अब जब आप उसको बेचोगे बेटा तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू बेचोगे
अब आप उस एक करोड़ का दो करोड़ में बेचो, पांच करोड़ में बेचो या पचास लाख में बेचो, ब्रोकर को तो उससे कोई लेना देना नहीं है ना। ब्रोकर को तो सिर्फ अपनी ब्रोकरेज से लेना देना है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है, उससे ब्रोकर को कभी कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर हो जाए ना? ओके सर। गोल्ड, जमीन, शेयर्स, ये सब बेटा हमारी असेट है, क्योंकि इनको आप कभी भी फ्यूचर में बेचोगे ना बेटा तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, भले कम मिलेगा, नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन पैसा मिलेगा। तो इसीलिए इन सबको हम लोग इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, चाहे वो गोल्ड है, शेयर्स है, उनको हम लोग इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनका पैसा अपने को फ्यूचर में मिलता है। जब भी आप उनको बेचोगे तब आपको उसका पैसा मिलेगा, इसीलिए उनको हम लोग उनको असेट्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, और किसी को लिस्ट में डाउट तो मैं सम शुरू करूं बेटा। नो सर। श्योर बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके चलो सम लिखेंगे बेटा सब लोग स्टूडेंट। ये लिस्ट कंप्लीट हो गया ना बेटा सब लोगों का? यस सर। यस सर। चलो सम लिखो बेटा। Prepare accounting equation of Bharat Stores from following information. असेट्स में चेक करो, मैंने आपको गुड्स लिखवाए हैं, देखो तो एक बार। नो सर। तो लिख देना बेटा असेट्स की लिस्ट में गुड्स ब्रैकेट में स्टॉक करके लिख देना, तो गुड्स या स्टॉक दोनों बोला जाता है, वो भी असेट है क्योंकि वो बेचेंगे तो पैसा आएगा। लिखो बेटा ट्रांजेक्शन नंबर वन Started business with cash rupees 50,000. Started business with cash rupees 50,000. Second transaction. Purchase furniture of rupees 5,000 for cash. Purchase furniture of rupees 5,000 for cash. Third number transaction. Purchase goods of rupees 10,000 for cash. Purchase goods of rupees 10,000 for cash. Last, fourth number. Sold goods of rupees 5,000 for rupees 7,000. मतलब 5,000 की गुड्स 7,000 में बेचे. Sold goods of rupees 5,000 for rupees 7,000. For cash. शुरू करें स्टूडेंट्स सम? यस सर। यस सर। ध्यान देना बेटा, इसका टेबल किस तरीके से बनेगा बेटा? इस टेबल में सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद हम लोग लिखेंगे ट्रांजेक्शंस के बाद लिखेंगे असेट्स। बेटा मैंने आपको चार ट्रांजेक्शंस लिखवाए हैं, इन चार ट्रांजेक्शन में सोच समझ के मुझे बताओ बेटा अच्छे से पढ़ के कि असेट्स में आपको क्या क्या दिया हुआ है, लिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या क्या आपका असेट्स दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में चेक करेंगे। क्या क्या असेट्स दिया हुआ है बेटा, कौन बताएगा? देखो यस मयूर बोलो बेटा।
फर्नीचर्स एक कैश पहला कैश बेटा फर्नीचर फर्नीचर गुड्स एंड गुड्स ठीक है ना बेटा इन तीन के अलावा कोई भी असेट नहीं है ओके बेटा यस सर अब असेट्स के बाद आता है कैपिटल और कैपिटल के बाद लास्ट में आती है लायबिलिटीज ठीक है बेटा अनोखी ट्रांजेक्शन नंबर वन पढ़ो बेटा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 50,000 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश स्टूडेंट्स अकाउंट्स में हमेशा बेटा हर चीज को दो जगह पे लिखा जाता है ये अकाउंट्स का रूल है बेटा 50,000 रुपए के कैश के साथ आपने बिजनेस चालू किया बेटा तो सबसे पहले आपके पास बिजनेस में 50,000 का कैश आया तो हम लोगों ने कैश के नीचे लिख दिया 50,000 हम लोग 50,000 कैश बिजनेस में लेके आ रहे हैं मैंने आपको पहले ही क्या बताया बेटा जब मैं आपको इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा था कि आप जब बिजनेस में कुछ भी लेके आते हो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स वो capitals. क्या कहलाता है कैपिटल कैपिटल में लिखेंगे हम लोग 50,000 ओके दो इफेक्ट बेटा एक और दो 50,000 रुपया कैश हम लोग बिजनेस में लेके आए तो क्या किया हम लोगों ने पहले कैश आया तो कैश में हमने लिखा 50,000 50,000 बिजनेस में आया हम जब बिजनेस में कैश फर्नीचर कंप्यूटर मतलब पर्सनल कोई भी चीज जब बिजनेस में लेके आते हैं वो हमारी कहलाती है कैपिटल इसीलिए हम लोगों ने कैपिटल में लिख दिया 50,000 कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट फर्स्ट ट्रांजेक्शन का यस सर यस सर कोई डाउट बेटा किसी को आवाज थोड़ा कम आ रहा है पीछे से हवा का आवाज आ रहा था एक मिनट हाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स यस सर बढ़ेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन पे बेटा यस सर हेरिन सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ो बेटा हेरिन यस सर परचेज फर्नीचर रुपीज 5,000 फॉर कैश परचेज फर्नीचर फॉर कैश बेटा लॉजिक समझना है स्टूडेंट्स आपने क्या लिया बेटा फर्नीचर लिया 5,000 का फर्नीचर के लिख देंगे नीचे 5,000 ओके बेटा स्टूडेंट्स यस सर सामने आपने उनको कैश दिया अब आपके पास कैश पहले कितना पड़ा था 50,000 आपने उनको 5,000 क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है बेटा तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा आपके पास 50,000 पड़े थे आपने उनको 5,000 दिए तो आप 50,000 में 5,000 को प्लस करोगे कि माइनस करोगे सोच समझ के बताना सर माइनस माइनस क्योंकि गया बेटा तो यहाँ पे करेंगे माइनस 5,000 अब स्टूडेंट्स इसका करेंगे टोटल और उसके सामने लिखेंगे न्यू इक्वेशन हमेशा बेटा पहला जो न्यू इक्वेशन बनेगा ना वो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद मतलब आपने पहला और दूसरा ट्रांजेक्शन किया ना उसके बाद न्यू इक्वेशन आएगा 50,000 माइनस 5,000 तो कैश बचा 45,000 फर्नीचर बचा 5,000 का गुड्स तो है नहीं कैपिटल आया 50,000 का और लायबिलिटीज तो है नहीं स्टूडेंट्स यहां तक आपका सम सही है कि गलत है आपको पता चल सकता है कैसे बेटा ध्यान से समझना सभी असेट्स का टोटल करो बेटा 45 + 5 50,000 की टोटल असेट हुई बेटा यस सर यस सर कैपिटल और लायबिलिटी का चेक करो 50,000 प्लस जीरो मतलब 50,000 दोनों तरफ का टोटल सेम आ गया ना बेटा यस असेट्स का टोटल और कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए अगर मैच हो रहे तो सम सही है अगर मैच नहीं हो रहे मतलब सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स यस सर यस सर यस सर थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन रुत्री थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन नीड करेंगे बेटा परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फॉर कैश परचेज गुड्स फॉर कैश चलो लॉजिक चलाएंगे बेटा कितने के गुड्स लिए बच्चों हम लोगों ने सर 10,000 तो पहले तो गुड्स आ गए बेटा हमारे पास तो गुड्स में लिख दिया मैंने 10,000 अब गुड्स मैंने खरीदा तो मैं सामने क्या दे रहा हूं उनको बेटा कैश दे रहा हूं तो कैश में क्या करूं प्लस के माइनस
माइनस 10,000. अब बनेगी न्यू इक्वेशन. पहले फर्स्ट और सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनेगा बेटा. न्यू इक्वेशन 45,000 कैश था, 10,000 गया, बाकी कैश बचा 35,000. फर्नीचर है हमारे पास 5,000 का, गुड्स हो गए 10,000 के, कैपिटल 50,000 एज इट इज, लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं है. वेरीफाई करेंगे बेटा, 35,000 प्लस 5,000 40,000, 40,000 प्लस 10,000 50,000, असेट्स का टोटल 50,000, कैपिटल का टोटल 50,000, लायबिलिटीज जीरो, तो 50,000 और ये 50,000 आंसर इज करेक्ट. यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? नाउ फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन वेदांत, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन रीड करेंगे बेटा. स्टूडेंट ध्यान से समझना. सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 फॉर रुपीज 7,000 फॉर कैश. Sold goods of rupees 5,000 for 7,000 for cash. बेटा लॉजिक समझना सब लोग. हमने 5,000 के गुड्स बेचे तो हमारे पास एक गुड्स आए हैं कि गए हैं बेटा? गुड्स बेचे हैं, गए सर, गए हैं गुड्स, गए बेटा. तो सबसे पहले गुड्स में से मैं 5,000 माइनस करूंगा, क्योंकि कितने के गुड्स गए बेटा? 5,000 के. लेकिन वो 5,000 के गुड्स मैंने बेचे 7,000 में, तो मेरे पास, मैंने गुड्स बेचे तो मेरे पास कैश क्या होगा स्टूडेंट्स? आएगा, तो कैश में प्लस करेंगे 7,000. लॉजिक समझना बेटा. 5,000 की गुड्स मैंने 7,000 में बेचे, मेरे पास से गुड्स गए 5,000 के हैं, तो गुड्स में से मैंने 5,000 माइनस किया. 5,000 वाले गुड्स 7,000 में बेचे तो मेरे पास आए 7,000, इसलिए मैंने कैश में 7,000 प्लस किया. 5,000 के गुड्स मैंने 7,000 में बेचे तो 2,000 मेरा क्या हुआ स्टूडेंट्स? प्रॉफिट. और प्रॉफिट मैंने आपको इक्वेशन में क्या लिखवाया बेटा? प्रॉफिट कहां पे जाता है स्टूडेंट्स? कैपिटल. कैपिटल. कैपिटल में प्लस हो जाएगा, हमारा 2,000 का प्रॉफिट है. अब हम लोग बनाएंगे यहां पे न्यू इक्वेशन. 35,000 प्लस 7,000 42,000. कैश हमारे पास फाइनल आया, फर्नीचर आया 5,000 का, गुड्स 10,000 माइनस 5,000 बचे 5,000, कैपिटल 50,000 प्लस 2,000 52,000, लायबिलिटीज में डैश है. 42,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 52,000, 52,000 प्लस 0 52,000, दोनों तरफ का मैच हो गया. कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. यस सर. सम क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? यस सर. यस सर. यस. कोई कंफ्यूजन बेटा सम में? नो सर. चलो कंप्लीट कर दो बेटा सम. हो गया सर. ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? आपके साथ ही कर रहा था. ओ बोलो. मनीषा क्लियर हो गया ना बेटा कॉन्सेप्ट? मनीषा? यस सर. ग्रेट. कंप्लीट करो, एक छोटा सा सम और भी हो जाएगा बेटा.
मेरा कंप्लीट हो जाए तो बता देना स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़े। बच्चों कंप्लीट हो जाए तो बता देना। यस सर, हो गया। एवरीवन डन स्टूडेंट्स? सर बाकी है थोड़ा सा। ओके कंप्लीट करो बेटा। सर वो सीरियल नंबर के ऊपर आपने क्या लिखा है? एग्जांपल बेटा। सर ये क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का आता है? ये 3-4 मार्क्स बेटा। ओके सर। सर हो गया सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। चलो लिखो बेटा नेक्स्ट सर। फटाफट तीन ट्रांजेक्शन लिखते हैं बेटा। ट्रांजेक्शन नंबर वन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 70,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 70,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन Purchase goods of rupees 20,000 for cash. Purchase goods of rupees 20,000 for cash. Sir, 50,000 नहीं बोले? 20,000 बेटा. Purchase goods of rupees 20,000 for cash. नंबर थर्ड परचेज मशीन ऑफ रुपीज 5,000। परचेज मशीन ऑफ रुपीज 5,000 फॉर कैश। सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स चेक करो असेट्स में कौन सी असेट्स दी हुई है बेटा। सर गुड्स और मशीन। कैश गुड्स एंड मशीन। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल, फिर लिखेंगे लायबिलिटीज। जय बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे जय। सर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000। Started business with cash. जय ट्राई कर सकते हो बेटा कहाँ कहाँ पे लिखेंगे इसको जय? Yes sir. Sir cash में 70,000. Very good. एक cash में 70 और दूसरा कहाँ लिखेंगे बेटा? Sir goods में 20,000. क्यों
तुम गुड्स में 21st ट्रांजेक्शन है बेटा, अभी तो आप सेकंड ट्रांजेक्शन पे पहुंच गए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन यस मयूर कैपिटल में, कैपिटल में बेटा आप 70,000 रुपीज बिजनेस में लेके आए, तो एक तो कैश आया, तो कैश में 70, और दूसरा बिजनेस में पैसा जब भी हम लोग लेके आते हैं वो हमारा कैपिटल कहलाता है, तो सेकंड जाएगा कैपिटल में। क्लियर हूं बेटा मैं? यस सर, यस सर, यस सर। मनीषा सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन, मनीषा, मनीषा सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन रीड करें बेटा। सर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। मैंने लिखवाया ना क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया अभी, तनवीर आप पढ़ो बेटा सेकंड ट्रांजेक्शन। परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फॉर कैश। ओके तनवीर ट्राई कर सकते हो बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने 20,000 के गुड्स लिए बेटा। हाँ बोलो बोलो। कैश में 20,000 माइनस सॉरी गुड्स, हाँ हमने गुड्स लिए बेटा, तो गुड्स आए 20,000 के, 20,000 के गुड्स लिए बेटा, तो गुड्स में आएगा 20,000, गुड्स लिया और सामने कैश दिया, कैश गया तो कैश में से 20,000 माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस कैन यू रिपीट? यस सर। 20,000 के गुड्स हम लोगों ने कैश पे लिए बेटा, एक तो गुड्स आए इसीलिए गुड्स में लिखा 20,000, और 20,000 के गुड्स लिए सामने हमने उनको पैसा दिया, तो कैश में से 20,000 माइनस करेंगे। क्लियर बेटा? 70 माइनस 20 तो बचा 50, यहाँ पे 20, मशीन तो है नहीं, डैश कैपिटल 70, लायबिलिटीज डैश, तो यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन 50,000 प्लस 20,000 70, 70 प्लस 0 70 मैच हो गया। यहां तक क्लियर बेटा सबको सम स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन लिख करिए बेटा। सर परचेस मशीन ऑफ रुपीज 50,000 फॉर कैश, मशीन में 5,000 लिख, अरे यार मैंने गलत लिख दिया, 5,000 लिखो। परचेस मशीन फॉर कैश, जैनम ट्राई करो बेटा कहां कहां पे लिखेंगे इसको। मशीन में 5,000 लिखेंगे। वेरी गुड, मशीन में 5,000 क्योंकि मशीन आया, मशीन आया तो क्या गया आपके वहां से, कैश में से मतलब गया 5,000 माइनस कर देंगे। हां 5,000 माइनस 45,000, तो यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन 50 माइनस 5 45,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 70,000 और यहाँ पे डैश 45 प्लस 5 50 प्लस 20 70, कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल करो तो 70, दोनों तरफ मैच हो गया। समझे बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। कंप्लीट कर दो बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टूडेंट्स इसके सम सम लोग टीएस गरेवाल, मतलब मंडे से टीएस गरेवाल के सम सम लोग शुरू करेंगे बेटा, कंप्लीट कर दो इसको। हो गया सर। जैनम भाई बहुत हो गया सर। बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना। सर हो गया सर, सबका हो गया स्टूडेंट्स? हाँ सर। ओके अब स्टूडेंट्स आज आप लोगों क्या करना है बेटा, मैं कोई होमवर्क आप लोगों को नहीं दे रहा हूं, आज आप लोगों क्या करना है बेटा, ये जो मैंने लिस्ट पूरी लिखाई उस लिस्ट को अच्छे से पढ़ना है, दो सम्स हम लोगों ने किए बेटा, इन दोनों सम्स को अच्छे से देखना है। मंडे को हम लोग स्टूडेंट्स आपकी बुक टीएस गरेवाल के सम्स करना हम लोग मंडे से इस चैप्टर के शुरू करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स ओके सर तो मंडे मिलते हैं बेटा इन सम्स को हम लोग मंडे को कंटिन्यू रखेंगे टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स बाय सर बाय सर बाय सर बाय सर बाय बाय सर बाय बेटा